चुकी है और देखिए कितनी भरी हुई है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है बैठने पर। लेकिन सच बताओ तो मुझे नाव बैठने में बहुत डर लगता है, लेकिन देखिए जरा मैंने हिम्मत करके बैठे, इन्हीं लोग की वजह से बैठना पड़ा। हर हर महादेव आप सभी को, और आज हम वहाँ पहुँचे हैं देव दीपावली आपको दिखाने के लिए। यहाँ हमारी काशी की देव दीपावली बहुत ही अच्छी होती है, जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, क्या गजब का लग रहा है हमारा गंगा द्वार, एकदम स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। आइए चलिए चलते हैं, और भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे आज तो। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा गंगा द्वार एकदम जगमगा रहा है, किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। पूरी सीढ़ियों पे लाइट्स लगा दी गई है यहाँ पे देखेंगे आप तो, और गंगा उस पार का नज़ारा तो वाह। पता नहीं आपको मेरे फ़ोन से जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ पता नहीं वो दिख रहा है कि नहीं, लेकिन गजब का यहाँ पे सजाया गया है घाटों को, गजब लग रहा है देखने में। और क्या गजब का उस तरफ का देखिए, थोड़ा सा इस तरफ अगर चलते हैं तो उधर का क्या मैं बोलूँ, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ पे आप देख रहे हैं गंगा द्वार का इस समय। मेरा दिल तो कर रहा है मैं यहीं बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ललिता घाट के भी नज़ारे देखने योग्य हैं। वाह योग्य क्या बात है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप ललिता घाट देख रहे हैं और क्या गजब लग रहा है। और जो ऊपर जो पिंक कलर की लाइट्स लगी हुई है ना, वो चार चांद लगा दे रही है इस पूरे लाइट्स में। और अभी यहाँ पे लेज़र शो भी होने वाला है, तो वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी यहाँ पे। लेकिन गजब का मज़ा आ रहा है यार, मतलब पूरा घाट सजा हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, आधे से भी ज़्यादा काशी इस समय हमारे बनारस के घाटों पर आपको दिखेगी, और हर तरफ आपको दिए जलते हुए दिखेंगे। और क्या गजब का डेकोरेशन हुआ है, ज़रा सा देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में। एकदम सजा दिया है हमारी काशी को, दुल्हन की तरह एकदम सजा दिया गया है। तो मैंने आपको जैसा कि दिखाया कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कैमरा लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी नाव करके हम जाएंगे और आपको सारा व्यू दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। और उस साइड पूरा बांस लगा के रखा है, एकदम खतरों के खिलाड़ी का बनना पड़ रहा है, एकदम कूद कूद के आना जाना पड़ रहा है। लोग भी हंस रहे हैं कि साड़ी पहन के इतना कूद कूद के आ जा रही हूँ मैं, क्या करूँ, कोई जगह ही नहीं मिल रही है आने जाने की। तो आप थोड़ी देर रुकिए, और अभी हम कोई ना कोई जो जुगाड़ लगाते हैं आपको यहाँ का व्यू दिखाने के लिए। तो वेट एंड वॉच। कैसे आप लोग, बहुत अच्छे आ रहे थे। मैं चाह रही थी, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, मैं चाह रही थी कि आप से मिल लूँ, और आप मुझे मिल भी गई, वो भी महादेव जी की कृपा से। अरे वाह क्या बात है। तो यहाँ आपने देखा मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स मिली है, ये देखिए। तो बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और क्या करते हो वैसे आप? हम स्टडी करते हैं, ये ब्लॉगिंग करते हैं। अरे ब्लॉगिंग करते हैं आप, क्या बात है। पीछे बस दिया मेरे को डर लग रहा है। ब्लॉगिंग करती है मैम, क्या नाम है? सुशीला सेठ ब्लॉग, में चैनल का नेम है सुशीला सेठ, सुशीला सेठ ब्लॉग। अच्छा वाह, मैम का भी ब्लॉग है तो जरूर देखिएगा। मैम क्या खाने से रिलेटेड है या ऐसे होम ब्लॉग है? बनारस का ही दिखाते हम भी है बनारस। अरे वाह, मैम भी बनारस को एक्सप्लोर कर रही है, तो बनारस को भाई हमारे आगे बढ़ाइए और खूब देखिए कि हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक। किस बात का है, जो भी है, लेकिन बड़ा ही मजा आ रहा है पीछे वालों को भी देखकर। वही बात है ना, बहुत आज जो नाव का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। सो हम जैसे मिडिल क्लास लोग भैया अभी टहल रहे हैं, ज्यादा से ही जाके दिखाएंगे अभी हम आप लोगों को। हाई फाई है तो बस के बाहर है। तो आपकी फैमिली नहीं आई? आए, सब आए हुए, लेकिन बस वही प्रॉब्लम है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ। मम्मी चल नहीं पाती है ना इतना। अच्छा। तो आई होप आज का नहीं, अभी अभी हम करेंगे जाओगी। अभी अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकंका, जा रहे हैं वहाँ पे, बुलाया गया है वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं मणिकंका, वहाँ पे है ढेर सारे पटाखे बजेंगे, वो तो देखना बनता ही है। तो चलिए चलते हैं अपने वहाँ पे, और ढेर सारे पटाखे बजते हुए देखते हैं। भैया भैया सब वही इंतजार कर रहे हैं हमारा, पीटेंगे हमें, यहाँ घूम रहे हैं। Yeah!
काशी में, हमारे बनारस में लाखों की आतिशबाजी हुई और आपने देखा अभी यार क्या गजब का था जो वो निकल रहा था ना, वाकई में बहुत ही खूबसूरत था ये नज़ारा देख के, तो मन खुश तो हो गया। अब यार नाव नहीं मिल रही, हम लोग नाव से एक बार हो जाए तो आपको पूरा लेजर लाइट दिखाते हैं यहाँ की। और यहाँ पे जो आपका आपने देखा यहाँ पे जो आतिशबाजी थी वहाँ उसका इनाम रखा गया, जिसकी सबसे अच्छी होगी उसको लाखों में इनाम भी मिलेंगे। हमें नहीं मिला है ना कुछ है सच में सीव नहीं, हमें नहीं पता सर सच में लाखों का इनाम भी रखा गया। अब हम लोग पटाखा है जरूर, लेकिन वाले पटाखा देंगे यही खड़े खड़े हो सकते करें ताकि हम लोग यहाँ से ले जाए, पता चले वीडियो कॉल अपलोड होगा और हम लोग नाव के लिए खड़े, आप कोई उसको देख के नाव मैम आइए मैम आइए नाव खड़ी है मैम, कल वो कहेगा ना आइए आइए मैम आइए, इस पर बम लगेगा सब भाग जाएंगे उस पर। लेकिन बड़ा मजा आया सच में, सीरियसली बहुत मजा आया, बहुत मजा, बहुत ही प्यारा नजारा था अभी। अरे राम राम इनका चश्मा लगाना देखिए, वो ये दोनों ने व्हाइट व्हाइट क्यों पहन रखा है एकदम, ओहो हीरो एकदम अजय देवगन लग रहे यार तुम तो, वाह क्या बात है क्या छा गए यार तुम तो। और मैं बताऊँ यहाँ पे आपको किराया जो है इस समय बोट का इतना महंगा है, 300 रुपए पर हेड, 1-2 रुपए नहीं पिए 100 रुपए एक गाजी, एक दो तीन में बहुत लग रहा है कि रोज का किराया आज ही निकाल लिए। हाँ कितना भी हम ही लोग वसूल हो गया है अभी भी कम हो गया, ये तो फिर भी अभी कम है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर पहले और इसमें बैठते तो लोग 1-1 लाख रुपए की पूरी बोट करके घूम रहे थे लोग, शॉपिंग कर सकते लेकिन ये नहीं। अरे यार मेरी टॉप आ गई होती 300 रुपए में, 300 रुपए में हम ले लेते, हम चाचा उसमें जाके लेते, एक कपड़ा आ गया होता मेरा नाव में बैठे। तो चलिए आपको अब नाव से दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा, आर्यन की देखिए आर्यन बड़ा बेस्ट है, ओए प्यारा कितना लग रहा है देखिए, पूरा 300 रुपए अगला हमारे यहाँ घर से वसूल कर रहा है, बस यही अगला है सब, हर एक सामान यहाँ का उसने कच्चा छू लिया है, वो पहन लिया है, फूल उड़ा रहा है, वही लोग डूबने लगे तेरे स्कूटर आदि जाओ बचाओ। अरे जो डुबाए अगर आप बोल देंगे ये बात है, हम लोग पहले ढकेले करता बचा नहीं जाएगा ऐसे। अभी थोड़ी देर में नाव चलेगी फिर हम आपको दिखाएंगे पूरा व्यू। फाइनली हमारी नाव चल चुकी है और देखिए कितनी भरी हुई है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है बैठने पर, लेकिन सच बताओ तो मुझे नाव बैठने में बहुत डर लगता है, लेकिन देखिएगा मैंने हिम्मत करके बैठे इन्हीं लोग की वजह से बैठना पड़ा है, मेरा कोई ख्याल नहीं। ये बस आवाज करेगा, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन करोगे इतनी आवाज रहेगी। फाइनली हमारी बोट चल चुकी है, लेकिन ये लग रहा है हमें परेशान करने वाला है, चल रहा है दादा जी आराम चलाइए। यहाँ पे हमारी बोट चल चुकी है, अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ का पूरा नजारा दिखाने वाले हैं, गजब का होने वाला है। क्या ये डरा रहा है क्यों, अरे तुम चुप रहो वो देखिए, अरे ये तो सायरन बज रहा है, ये देखिए आप देख रहे हैं इस समय पूरे घाट का नजारा, और वाह क्या बात है गजब का लग रहा है, पूरी पूरे के पूरे घाट को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हरे महादेव, एक बार और हरे महादेव, वाह अरे नजारा दिखाओ भाई, अरे ये Thank you.
उधर उधर तो फाइनली मैंने आपको दिखाया पूरे घाट के नज़ारे, लेकिन मुझे टक 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 बज रहा था, इस वजह से ना म्यूट करना पड़ेगा मैं वो साउंड। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से आप सभी को हैप्पी देव दीपावली और मिलते हैं अपने नेक्स्ट। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और गुनगुन बहुत व्यस्त है छोटे से बच्चे को लेके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप नहीं, फिर से कितनी बार, हर हर महादेव। कुछ कहना है? अरे मेरा नाम ये, मैं इस स्कूल से हूँ। अरे एक मिनट, क्या नाम है आपका? हाँ, अच्छा आप किस स्कूल में पढ़ते हो? यूकेजी में पढ़ता है। यूकेजी में पढ़ते हो? स्कूल का क्या नाम है? स्कूल में पढ़ता है ब्राइनिंग स्कूल। अरे बाप, तुम्हें वोट पे घूम के कैसा लगा? वोट पे घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, मदर कहाँ बैठे थे यार, तुम मिले नहीं हमसे? उनके साथ छोटे छोटे वहाँ बैठा था वो। ओ अच्छा, वहाँ बैठा था। देखा तो ना यहाँ पे यहाँ पे आपको मैंने मिला एक छोटे से प्यारे से बच्चे से। क्या नाम था? यश। यश नाम क्या? अभिनव नाम है इनका। तो आप यहाँ पे मिल रहे हैं एक प्यारे से छोटे से अभिनव से, जो कि क्लास यूकेजी में पढ़ते हैं। नहीं, स्कूल यूकेजी में पढ़ते हैं ये। हर महादेव बोलो। क्लास यू के। अरे हर हर महादेव, महादेव बोल दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे बोलते ऐसे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इतना तेज से बोल सकते हैं? उतनी तेज से? बस 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 बस।